Hello everyone, welcome to Bullseye Jaipur. Welcome to the news analysis of 16th of September. Today is the World Ozone Day, and as you all know why ozone is important. And kal aapka 15th of September ko tha, aapka Engineers Day. Visveshwaraya ji ki yaad mein. Okay, please share this link with all your friends so that everyone can join on time. जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो के लिंक को. ओके, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए लिंक सारे ग्रुप्स में. तो जो बुलसाई स्टूडेंट्स हैं वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कर दें. आई विल शेयर इट इन ऑल द टेलीग्राम ग्रुप्स. ओके, हेलो एवरीवन. आज का न्यूज़पेपर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. इसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हैं आपकी, जिनको आज हम लोग करने वाले हैं. आई वेलकम ऑल ऑफ यू हेयर. माय नेम इज पंकज शर्मा एंड आई फ्रीक्वेंटली डू द न्यूज एनालिसिस. और यहाँ पर जो डेली प्राइम जो डेली टॉपिक्स होते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ. बहुत सारा मटेरियल हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं बुलसाई जयपुर पे. आप लोग रिलाय कर सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर. यू कैन ऑल्सो टेक एडमिशन इन आवर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस. इफ यू वॉन्ट टू टेक एडमिशन देन आवर एडमिशन आर स्टिल ओपन. And the new offline batch will start on 22nd of September, while the new online batches will start after 26th of September for the CLAT, IPM and CAT examination. Hello everyone. Hello, 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 hello. चलिए जल्दी से जल्दी. Good afternoon, Aditya. Thank you so much. गुड आफ्टरनून देवेश, गुड आफ्टरनून हिमांशी, गुड आफ्टरनून पारिजात. चलिए, सो आई थिंक वी गॉट द कोरम नाउ. ओके, स्टिल देयर आर गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन. चलिए जल्दी से जल्दी सब जगह पे वीडियो शेयर कर दीजिए जिन्हें शेयर नहीं किया है ग्रुप्स में. चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन. शीतल, तृप्ति, मोग, थैंक यू. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज. लाइफलाइन फॉर टेलीकॉम कंपनीज एज गवर्नमेंट ऑफर्स 4 ईयर मोरेटोरियम ऑन ड्यूज. अब मोरेटोरियम क्या होता है बेटा? जब भी आप ना किसी रीजनेबल रीजन की वजह से अपनी पेमेंट्स जो है उन पे डिफॉल्ट कर जाते हो, देन बैंक्स एंड गवर्नमेंट कैन ऑफर यू द मोरेटोरियम पीरियड. It is the time period in which you need not to pay any payment, but your loan will won't be considered under NPA. इसका मतलब ये नहीं है कि ब्याज नहीं लगेगा. आपसे कोई अगर पूछे कि आप मॉरेटोरियम में ब्याज लगता है तो हम बोलेंगे yes, ब्याज लगता है. It is more like यार आपने लोन लिया, for example you take a home loan, आपने एक home loan लिया और unfortunately जो home loan आप ले रहे थे ना वो home जो है वो गलती से आपका मतलब गलती क्या किसी
क्लैमिटी की वजह से ना आपका वहां पर कोई नुकसान हो गया और घर ही नहीं बन पाया है। सो एक जेन्युइन कंडीशन है राइट, बट बैंक को अपना लोन वापस चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, आपको बोलेगा कि अभी साल 6 महीने तो कम से कम हम आपको दे देते हैं, दैट इज नोन एज मॉरेटोरियम पीरियड। एंड वी ऑल नो दैट आवर टेलीकॉम सेक्टर इज अ कैश स्ट्रैप्ड सेक्टर, जिसके अंदर वॉल्यूम का खेल खेला है आपके जियो ने। जियो का जो वॉल्यूम का खेल है, वी ऑल नो कि जियो ने क्या किया, आपका ज्यादा लोगों को सर्विसेज दी कम प्राइस पे, ताकि उसका यूजर बेस थोड़ा सा बढ़ जाए, बट फिर भी आपका अभी जो भारतीय एयरटेल है वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है अभी के लिए एज ऑफ नाउ। ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। रिफॉर्म्स इंक्लूड्स रीडेफिनेशन ऑफ एजीआर कंसेप्ट, 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट, आपका जो है 100% आपका यहाँ पर जो है एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट। आप ऐसा समझिए कि अब ना कोई भी बाहर से कंपनी ना कंप्लीटली आकर इंडिया में अपना टेलीकॉम बिजनेस सेटअप कर सकती है, कि बाहर की कोई कंपनी है अब उसको किसी इंडियन कंपनी से टाई अप करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया आपका 100% एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में या किसी भी कंट्री में कोई बाहर की कंपनी आकर इन्वेस्टमेंट करती है लेस देन 10%, तब उसको हम बोलते हैं FII, Foreign Institutional Investment. उसको हम क्या बोलते हैं, Foreign Institutional Investment। और कोई भी investment अगर आपकी greater than 10% होती है, तब उसको हम क्या बोलते हैं आपका FII Investment। उसको हम क्या बोलते हैं आपका Foreign Direct Investment। Thank you so much बच्चों for your wishes। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को समय दिया है आपका कितना, 2 हफ्ते का, टू फिल ऑल ट्रिब्यूनल वैकेंसीज, कि जितने भी ट्रिब्यूनल्स है ना वहां पर वैकेंसी जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट दे रखी है, बट इन वैकेंसीज के ऊपर आपका काम नहीं हुआ है, तो वी नीड टू चेक इट हेयर। अपने को यहाँ पर देखना पड़ेगा, आपके जो एनवी रमणा है ना, उन्होंने मल्टीपल टाइम स्टेटमेंट दिए हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है वो जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे जजेस की, जिसकी वजह से केसेस जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं आपके, स्लो हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। गवर्नमेंट बिगिंस प्रॉप इनटू किडनैप ऑफ अफगान हिंदू, ये आपका जो है गवर्नमेंट ने प्रॉप करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। एंड वी ऑल नो अबाउट मिस्टर एनवी रमना, एनवी रमना के बारे में हम सब लोगों को पता है कि हमारे देश के 48th CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं आपके, और इन्होंने बहुत ही शानदार काम किए हैं। और अभी लेटेस्ट ये गवर्नमेंट के साथ जो है, ही सेड कि हमारा कोई लड़ाई नहीं है विद गवर्नमेंट, बट ही इज एक्चुअली सेइंग कि क्या बोल रहे हैं हमको, इन्होंने क्या बोला है कि अपने को एक कंस्ट्रक्टिव सिस्टम बनाना पड़ेगा बिटवीन द जुडिशरी एज वेल एज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपने को ये काम यहां पर करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, माय स्क्रीन इज क्लियर टू ऑल, ओके फाइन। चलिए, आई होप ये चीज सबको समझ में आई है कि कैश ट्रैप्ड वाला जो टेलीकॉम सेक्टर है उसको थोड़ा सा टाइम आपका मिल चुका है, और गवर्नमेंट जो है वो आपका थोड़ा सा स्लो अपॉइंटमेंट कर रही है, उसके लिए आपका थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा और मिल चुका है गवर्नमेंट को। बट गवर्नमेंट का व्यू ये है कि क्या हमारी कोई भी नहीं चलेगी, क्या हम कोई भी इसके अंदर हमारा से नहीं होगा। बट आप जानो ना कि द बेसिक नेचर ऑफ जुडिशरी इज दैट कि जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट, जुडिशरी जो है वो आपका बिल्कुल ही क्या होना चाहिए आपका बेटा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर। 28% जंप इन फाइलिंग केस, फाइलिंग ऑफ केसेस इन 2020, आपका जो है फाइलिंग ऑफ केसेस जो है उसके अंदर 28% का आपका जंप आया है 2020 के अंदर। ठीक है, एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है आपका, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका थोड़ा सा राइज आया है, और यहाँ पर आपका डीआई का सेट एक बन सकता है, जो आई होपफुली मेरे ख्याल से अनिकेत सर बना भी देंगे उसके ऊपर एक डीआई का सेट। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम एक्यूज्ड के लिए अलग अलग ट्रायल आपका चलेगा, ये दिल्ली की खबरें हैं सारी की सारी, तो इसको अभी के लिए हम स्किप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग बर्थडे विशेस, थैंक यू सो मच, यू कैन विश मी इन दी लास्ट और कमेंट सेक्शन में विश कर सकते हैं। अभी पढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है, जल्दी से फटाफट एडिटोरियल पे आ जाते हैं। And from after one week, Muskan ma'am is also going to help us in the news analysis. She is going to help you in analyzing the editorial in a much better way. Okay?
ओके सो हियर वी हैव अ फर्स्ट एडिटोरियल. यहाँ पर हमारे पास पहला एडिटोरियल है बेटा जिसका नाम है ट्रांजिएंट ईजिंग. ठीक है. कटिंग फ्यूल टैक्सेस इज अ शॉर्ट वे टू एड्रेस अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्राइस प्रेशर्स. अब इन्फ्लेशन जो है ना एक बहुत बड़ी टर्म है. इन्फ्लेशन का मतलब है कि जनरलाइज्ड प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो आपका इंक्रीज हो चुका है बट देर आर सर्टेन थिंग्स की जो ह्यूजली इम्पैक्ट करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ को. फॉर एग्जाम्पल अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ जाता है तो आपके वेजिटेबल प्राइस ऑटोमेटिकली अप जाएंगे क्योंकि जहां से भी वेजिटेबल्स आ रही थी आपकी वो आपका वाया रोड आती है यूजली क्योंकि पेरिशेबल गुड्स हैं तो बहुत जल्दी पेट्रोल डीजल का यहां पर यूज होता है आपका, है ना. ओके. कटिंग फ्यूल टैक्सेस इज अ शॉर्ट वे टू एड्रेस अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्राइस प्रेशर्स. आपके जो प्राइस प्रेशर्स हैं उनको कम करने का एक शॉर्ट वे क्या है आपका यहां पर कि आपको फ्यूल टैक्सेस को क्या करना होगा, कम करना होगा. द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा सजेस्ट At first flush that price pressure have begin to moderate in the economy. The latest retail inflation data ने suggest किया है at first flush that price pressure have begin to moderate in the economy कि कम हुआ है. With August print of CPI shows an inflation having slowed for a second straight month to 5.3% pace after July 5.59%. अब आप ना ऐसा समझो कि इंडिया में ना inflation की range क्या होती है, महंगाई की जो दर है वो क्या होती है आपकी 2% प्लस माइनस 4%. ठीक है. यानी कि भारत में 4% प्लस माइनस 2% आपका, यानी कि 4% का इन्फ्लेशन जो है वो आइडियल है. और इंडिया में महंगाई अगर 2-6% के बीच में है तो उसको आइडियल कंसिडर किया जाता है. इसके नीचे है तब भी आइडियल नहीं है, इसके ऊपर है तब भी आपका आइडियल नहीं होगा. ठीक है. थैंक यू जसलीन. अमन राज पटेल थैंक यू. प्राइस ट्रेंड्स अमंग दी. ठीक है. अब अपने को समझ में आ गया क्या अभी के लिए अपनी जो ये है यहाँ पर हम देखिए आपका आपका जो महंगाई है क्या वो बिल्कुल आप जल्दी से देखकर बताइए कि क्या 6% के अंदर है या 6% के बाहर है. क्या लगता है बच्चों अपने को क्या लगता है 6% के बाहर बाहर तो नहीं है बिल्कुल भी. सो वी कैन से कि ये हमारा क्या हो गया बेटा आपका ये क्या हो गया अपना हाँ दिस इज विद इन द लिमिट. पहले 5.59 था अभी कितना हो गया आपका 5.3%. आई होप सब बच्चों को क्लियर हुई थी चीज. ओके. Price trend among the constituent of consumer price index and the latest wholesale price index inflation, however, show that it would be premature to drop the guard on price gains. कि भैया यहाँ पर ना ये अपने को सजेशन दे रहा है, थोड़ा सा इसका व्यू पॉइंट आ गया. देखो इकोनॉमी वाले पैसेजेस ना थोड़े से ट्रिकी होते हैं बट अगर आप ध्यान से मेरे साथ पढ़ते रहोगे और मैं आपको बता रहा हूँ कि डेली दो एडिटोरियल का मतलब ये है कि दिसंबर तक हम लोग जो है ना आराम से नहीं ज्यादा 200-300 एडिटोरियल कर चुके होंगे. And then we reach the situation कि हाँ भाई अब जो है अपने को नहीं कोई हरा सकता. ठीक है. हाँ उसमें इकोनॉमी के बहुत सारे आ जाएंगे. ठीक है. ओके ग्रेट. यहाँ पर देखते हैं प्राइस इंडेक्स एंड द लेटेस्ट होलसेल प्राइस इंडेक्स. WPI बेस्ड इन्फ्लेशन हाउएवर शो दैट इट वुड बी प्रीमैच्योर टू ड्रॉप द गार्ड ऑन प्राइस गेन. इसने क्या बोला है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना अब दो इंडेक्सेस के थ्रू महंगाई इंडिया में देखते हैं. एक है आपका CPI, एक है आपका WPI. ठीक है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है आपका वो किस चीज के ऊपर फोकस करता है, वो फूड प्रोडक्ट्स जो है ना. मान लीजिए कि एक बास्केट है, यहाँ पर जो है आपके फूड प्रोडक्ट्स भरे हुए हैं, ऊपर आपके नॉन फूड प्रोडक्ट है. होलसेल प्राइस इंडेक्स में होलसेल लेवल पे चेक किया जाता है आपके नॉन फूड प्रोडक्ट जो है ना वो यहाँ पर ज्यादा कंसिडर किए जाते हैं. तो अपने को एक चीज पता चली कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो बता रहा है कि हम कम की तरफ जा रहे हैं बट आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो ऊपर की तरफ दिखा रहा है तो हम अपना ड्रॉप द गार्ड वाला ऑप्शन जो है वो हम नहीं कर सकते. कैन वी से दिस कि बोथ द इंडेक्स इज शोइंग अ डिफरेंट पिक्चर दैट इज व्हाई ऑथर सजेस्ट डू नॉट ड्रॉप द गार्ड. समझ आया क्या बताओ जल्दी से सुपर फास्ट. Price trend on the constituent, ठीक है ये हो गया अपना. How will show that it would be premature. For one, the year inflation reading was elevated, thus imparting a favorable base effect. ठीक है, एक favorable base effect आपका आ रहा है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, पूरा अच्छे समझाऊंगा आपको इसको मैं.
मंथ ऑन मंथ हाउएवर द सीपीआई नज्ड अप 0.25% फ्रॉम जुलाई. आपका जो सीपीआई है ये थोड़ा सा ऊपर गया आपका 0.25% बिलाइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉफ्टनिंग इन्फ्लेशन. यानी कि इसने भी क्या किया आपका इन्फ्लेशन को बताया कि भैया इन्फ्लेशन इतना भी कम नहीं हुआ है. एंड द पेस ऑफ प्राइस गेन इन एटलीस्ट थ्री एसेंशियल फूड कॉम्पोनेंट्स स्पीडेड अप फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ. यानी कि पेस ऑफ प्राइस गेन्स इन एटलीस्ट थ्री एसेंशियल फूड कॉम्पोनेंट. देखो इन्फ्लेशन क्या है एज अ होल हम देख रहे हैं, ठीक है, कि ओवरऑल कितनी महंगाई हुई. फूड कॉम्पोनेंट्स के अंदर क्या हुआ, स्पीड अप फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ यानी कि पिछले महीने से बढ़ गया है. विद मीट एंड फिश ड्राई एंड ऑयल्स एंड फैट पोस्टिंग सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन. आप खुद सोचो मीट फिश डेयरी ऑयल इन सबका जो प्राइस है वो कम होना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है या ज्यादा होना. और अगर ये ज्यादा हुआ है ये क्या बोल रहे हैं कि आप ना ओवरऑल इन्फ्लेशन की तरफ देख रहे हो जो विद इन द लिमिट है, बट उसके अंदर जो कुछ खाने की इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका प्राइस शूट अप आपका कर रहा है, विच इज अ रीजन टू वरी, ठीक है. एडिबल ऑयल्स ऑन अ टीयर फॉर मंथ नाउ द ऑगस्ट प्रिंट वॉज 33% आफ्टर जुलाई 32.5%. मतलब कि अगर कोई चीज पहले ना 100 रुपए की आ रही थी तो 133 रुपीज की आ रही है, तो भैया ये आपका अच्छा नहीं है इसके अंदर आपका एडिबल ऑयल्स के अंदर, ठीक है. And an earlier round of cuts in import duties have had little impact in cooling their prices, ठीक है, forcing the center to announce another tranche of duty reductions this month. आप यहाँ पर समझ के चलिए इसको कि यहाँ पर and an earlier round of cuts in import duties have had a little impact in cooling the prices. Import duty को cut क्यों किया गया होगा? बेटा अगर इकोनॉमी के पैसेजेस भी आ गए ना आपको समझ में तो तभी आपका पेपर क्लियर हो पाएगा. जो भी पेपर आप देने के लिए जा रहे हो मैं पहले बता रहा हूँ इकोनॉमी से रिलेटेड एक पैसेज आएगा ही आएगा. इंपोर्ट ड्यूटी को कट कर दिया गया. इंपोर्ट क्या होता है, जब भी हम ना अपने देश में से एक सामान को बाहर भेजते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं आपका एक्सपोर्ट, और जब भी हम कोई बाहर से चीज मंगाते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं आपका इंपोर्ट बोलते हैं, ठीक है. अगर मैं मानूं कि बाहर से चीजें सस्ती आ रही हैं तो अगर हम उसके ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा देते हैं तो डायरेक्टली हमारी जनता को फायदा मिलेगा. अगर हमारे देश में कोई चीज कम हुई और बाहर से हमें सस्ते में मिल रही है तो थोड़ा फायदा सामने वाले को दे दें अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी उन चीजों पे लगती है जो इंडिया में बाहर से आती है. क्या लगता है अपने को, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए घटानी चाहिए? ऑयल सीड्स का प्राइस हाई हो गया इंडिया में, आपका ऑयल का तेल का दाम जो है वो हाई हो गया इंडिया के अंदर. अब मुझे एक चीज बताओ, अपने को इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी चाहिए कि ज्यादा करनी चाहिए? इंपोर्ट ड्यूटी टू मेंटेन दी प्राइसेस अपने को इंपोर्ट ड्यूटी से क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ. लेस करना पड़ेगा, बिल्कुल. अब अगर अपने पेपर में देखो, अभी तुम लोग 40 मतलब 300-400 बच्चे को देख लेते हैं न्यूज एनालिसिस को, मैं आप सब लोगों को ये चीज बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास ना आप पेपर दे चुके हो या आप सैंपल देख चुके हो क्लैट का, तो वी ऑल नो कि भैया जो क्लैट का पेपर है ना वो आपसे पूछेगा कि टू कंट्रोल द ऑयल प्राइसेस इन इंडिया बट गवर्नमेंट शुड डू रिलेटेड टू इम्पोर्ट. तो अपना इम्पोर्ट में हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी को क्या कर देंगे बेटा आपका रिड्यूस कर देंगे. आई होप ये सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रही होंगी चीजें. मैं इकोनॉमी के पैसेजेस पे पूरा टाइम लगा रहा हूँ सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना हो पेपर में. ग्रेट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा. इन्फ्लेशन इन टू अदर वाइटल प्रोटीन सोर्सेज, आपका जो महंगाई है वो और दो प्रोटीन सोर्सेज में आपका महंगाई आई है. वाइटल प्रोटीन सोर्सेज एग्स एंड पल्सेस also continue to remain cause of concern, while inflation in eggs remained the high teens at 16.3%, price increase in pulses was 8.81 after showing 23 basis point. अभी ये ना इसने पूरा अपने को डिटेल दिया है कि जितने भी अपने प्रोटीन के सोर्सेज है ना उन सब के अंदर आपका महंगाई जो है वो आपका इंक्रीज हुआ है. अभी बेसिस पॉइंट क्या होता है, देखो बेटा इकोनॉमी में ना अगर 1% का चेंज होता है ना तो इकोनॉमी में लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए इधर से उधर हो जाता है. तो 1% को ना फर्दर बेसिस पॉइंट में डिवाइड कर लेते हैं. 1% को डिवाइड किया जाता है कितने पार्ट्स में आपका,
टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको, आपके 100 बेसिस पॉइंट्स के अंदर है। तो अगर अपने से कोई पूछे कि ये बेसिस पॉइंट क्या होते हैं, हम बोलेंगे कि भैया 1% को ना हम इंटरेस्ट रेट्स के अंदर किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, आपके 100 बेसिस पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये चीज? ओके, इन्फ्लेशन इन टू अदर वाइटल प्रोटीन सोर्सेज। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आई होगी ये चीज, है ना? इनमें भी बढ़ गया, टू ऑल्सो कंटिन्यू टू रिमेन कॉज ऑफ कंसर्न। भैया जो चीजें जरूरी है ना, मतलब जरूरत की चीजें बढ़ती जा रही हैं, तो ये अभी के लिए क्या बोल रहे हैं कि डू नॉट ड्रॉप दी गार्ड, कि अभी के लिए आप मत बोलो कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। अगर कोई चीज बिल्कुल पॉइंट पे है, मैं बोलता हूँ कि मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, और अभी लाओ यार छोले भटूरे, आज बर्थडे है खाने दो, क्या लगता है आपको, ये मैं सही कर रहा हूँ अपने साथ या गलत कर रहा हूँ? आई एम एक्सप्लेनिंग दैट अगेन बेटा, सारांश। रॉन्ग है ना, अपने साथ गलत होगा, क्योंकि बॉर्डर लाइन पे, अब आप ऐसा समझो कि बॉर्डर लाइन इन्फ्लेशन दिख रहा है कि इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं बढ़ा है, बट कुछ चीजों में अगर हम थोड़ा थोड़ा देखें तो उसके अंदर आपकी समस्याएं हैं भैया आपकी। ठीक है, अगर आप बोलोगे मुझे कि सर मेरा पूरा मॉक का स्कोर ना 85 आ रहा है, मैंने पूछा जीके में कितने नंबर आ रहे हैं, आपने बोला कि सर 35, तो आपका स्कोर बेकार है, क्योंकि आपका पूरा पोर्शन जो है वो किसने कवर कर लिया, जीके ने, बाकी जगह पे तो हमने देखा नहीं। तो वी नीड टू लुक इट, मतलब सब्जेक्टिवली इसकी तरफ हमें सब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा कि कितना ज्यादा आपका, कौन से सेक्टर में आपकी महंगाई आपकी कम या ज्यादा हुई है, ऐसा आपके ऑथर का मानना है। द पेस ऑफ इन्फ्लेशन इन फ्यूल, लाइट, क्लोथिंग, फुटवेयर, हेल्थ एज वेल एज हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज ऑल रेचेटेड अप लास्ट मंथ। आपका रेचेटेड का मतलब क्या होता है, आपका रेड चीटेड कोई बताएगा? रेड चीटेड का मतलब क्या होता है? ठीक है, ओके, ठीक है, एक मिनट। चलिए यहां पर जो है बिल्कुल ठीक है बेटा, ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। हाँ, इधर देखो, द पेस ऑफ इन्फ्लेशन, लाइट, क्लोथिंग, आपका रेड चिट, ये क्या हो गया आपका रेड चिटेड अप लास्ट मंथ। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन विच इंक्लूड पंप प्राइसेस ऑफ द मेन ऑटोमोटिव फ्यूल्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल स्टेड स्टक इन डबल डिजिट्स एट 10.2%, एल्बाइट आफ्टर 30 बेसिस पॉइंट्स easing from July 10.5% pace। आपका जो है 30 basis point यहाँ पर कम हुए, but आपका फिर भी महंगाई जो है ना 10.2% की अभी आपकी है, पहले जुलाई में कितनी थी आपकी 10.5% की। मतलब ये मान के चलो कि ऊंट के मुंह में जीरा, समझ आ रही है ये चीज, कि इनका जो प्राइस है वो भी आपका ज्यादा कम नहीं हुआ है, पहले 10 अब 10.2 है, पहले 10.5 था। एंड द WPI डेटा शोज higher transportation cost combined with input price pressures fan faster inflation in manufacturing product as well as sending the segment pace to 11.2
फोर्थ स्टेटमेंट डबल डिजिट प्राइस गेन सर, आपका जो WPI ना होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 11.4% पे आपका चल रहा है, जो जिसके अंदर बताया गया कि भैया आपका जो है ये डेटा अपने को सजेस्ट कर रहा है प्राइस प्रेशर जो है फेंट फास्टर इन्फ्लेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, जो चीजें बन रही है मैन्युफैक्चरिंग वाली उसकी वजह से महंगाई आपकी ज्यादा बढ़ रही है अभी आपका। द आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन इज फार फ्रॉम सैंग्विन इफ वन कंसिडर दैट IHS मार्केट PMI सर्वे, अभी हम 85वीं बार कर रहे हैं। IHS का मार्केट PMI सर्वे क्या होता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, यानी कि इंडिया की जो प्राइवेट आपकी जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना उसका इंडेक्स कौन बताता है आपका PMI फॉर सर्विसेज। अब सर्विसेज रिवील्ड इनपुट कॉस्ट रोज इन अगस्त, भैया आपका जो अगस्त में है ना इनपुट कॉस्ट आपका बढ़ गया एट द फास्टेस्ट रेट इन 4 months एंड अ रीसेंट CGI पोल ऑफ CEO शोज अ मेजॉरिटी ऑफ 67% एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन दिस ईयर। आपका मेजॉरिटी के अंदर क्या किया गया, मेजॉरिटी CEO ने क्या किया आपका 67% एक्सपेक्ट एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन दिस ईयर टू होवर क्लोज टू और एक्सीड RBI's मैंडेट। भैया आपके हर 3 में से 2 CEO ने ना आपकी ज्यादा अच्छी उम्मीद नहीं जताई है, सबने बोला है कि महंगाई तो बढ़ने वाली है आने वाले टाइम पे, ठीक है। पॉलिसी मेकर्स आर ओनली टू वेल अवेयर दैट अल्टीमेटली इन्फ्लेशन इज नॉट जस्ट अबाउट पॉइंट रीडिंग बट फार मोर अबाउट कंज्यूमर्स एंड बिजनेस एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ट्रेंड इन प्राइसेस, ठीक है। पॉलिसी मेकर्स आर ओनली टू वेल अवेयर दैट अल्टीमेटली इन्फ्लेशन इज नॉट जस्ट अबाउट पॉइंट रीडिंग बट फार मोर अबाउट कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के बारे में बताते हैं कि महंगाई से आम क्योंकि महंगाई का फर्क ना कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसपे नहीं पड़ेगा, ये यूनिवर्सल इम्पैक्ट आपका आने वाला है, ठीक है। फियर्स ऑफ फ्यूचर हाई इन्फ्लेशन डेम्पन सेंटीमेंट एंड थस रिटार्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपका क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी गिरी हुई है साथ में आपकी महंगाई बढ़ती जा रही है, और जब आपका अनएम्प्लॉयमेंट महंगाई के साथ कंबाइन हो जाता है ना, लैक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इसमें ऐड हो जाता है, तब उसको हम बोलते हैं कि आपका उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। कटिंग फ्यूल टैक्सेस इज अ शॉर्ट शॉट वे टू एड्रेस मेजर कंपोनेंट ऑफ प्राइस प्रेशर एंड इट इज द टाइम गवर्नमेंट बाइट द बुलेट एंड एक्ट टू प्रोवाइड अ मोर अबाइडिंग सॉल्यूशन। ये बोल अब ये ना बिल्कुल इसने अथॉरिटेटिव टोन में बोला है कि गवर्नमेंट शुड, अब यहां पर मैं इंटरेस्ट ले सकता हूं कि द ऑथर इज ऑफ द व्यू दैट कटिंग द फ्यूल प्राइसेस विल हेल्प इन द CPI एज वेल एज इन द WPI बट गवर्नमेंट शुड नॉट टेक द गार्ड इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। इनको महंगाई जो है उसको आपका कंट्रोल अगर करना है तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पे ध्यान देना होगा, अपनी जो फिस्कल पॉलिसी उस पर ध्यान देना होगा। अभी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के हाथ से सब कुछ आपका जा चुका है। अच्छा क्या इस पैसेज से, मुझे सब लोग बताना क्या इस पैसेज से बच्चों मैं एक चीज इन पर कर सकता हूं कि बाय इंक्रीजिंग दी इंटरेस्ट रेट्स वी कैन कंट्रोल दी इन्फ्लेशन। जल्दी बताओ बोलिए जल्दी से। एंड मीनवाइल यू कैन आल्सो लाइक आवर वीडियो एंड इफ यू लाइक आवर एफर्ट्स तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब कर लेना, बाद में यू कैन अनसब्सक्राइब इट, यू कैन लेटर ऑन चेंज योर माइंड जब आपका क्लैश हो जाए, तो आई डोंट थिंक कि चैनल्स का कुछ यूज बचता है बिकॉज सब्सक्राइबर बेस। मैं खुद ही बोलता हूँ बच्चों की अब नहीं है तो या तो म्यूट कर दो इसको, बट अभी के लिए तो बेल आइकन को भी सब्सक्राइब का मतलब प्रेस कर देना क्योंकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन सबसे पहले यहीं से आने वाली है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को। नहीं कर सकता ना, बिल्कुल विपाशा ने बिल्कुल सही आंसर दिया, प्रतीक्षा ने आंसर सही दिया, महक ने आंसर सही दिया, बिकॉज एक्चुअल में तो ऐसा होगा कि बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स आपकी महंगाई कंट्रोल होती है, बट क्या यहां पर बिल्कुल भी उसने दिया कुछ अपने को ऐसा नहीं दिया तो हम लोग उसको इन्फर नहीं करेंगे। क्या अपने को एक चीज समझ आ गई ना, अंडर एस्टिमेट करेंगे ना ओवरली हम एग्जेजरेट करेंगे, जो उसने बोला उस पर रुकेंगे, इससे CR RC दोनों हो जाएगा। मैं तुमको बताता हूँ सीधा लॉजिक बताता हूँ, ना RC ना CR आपको ना रीडिंग जो है ना आपकी बार बार रीडिंग जो है ना वो आपको सिखाएगी कि RC CR में नंबर कैसे आते हैं, ना कोई अजम्पशन ना मतलब मुझे तो ऐसा लगता है मैंने कभी नहीं पढ़ाई चीज, और जितने क्वेश्चन होते हैं मेरे 95% से ऊपर ठीक चले जाते हैं, बोलने में इंग्लिश चाहे जैसी मर्जी हो, चाहे मुझे ग्रामर का कख ना आता हो, बट RC के मेरे सारे क्वेश्चन ठीक होते हैं।
इस बार का आरसी मैंने खुद दिया था क्लैट का, तो मेरे सारे क्वेश्चन ठीक थे उसके अंदर, ए टू जेड पूरा पेपर ठीक था। इट इज ऑल अबाउट कि तुम सामने वाले को समझो, उसकी भावनाओं को समझो, क्योंकि तुम कोर्ट में जाओगे, तुम एमबीए करोगे, वहां पर तुमको लोगों के द्वारा लिखी हुई चीजें पढ़ने को मिलेगी, किसी को कोर्ट की जजमेंट मिलेगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दी लॉयर देयर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दी जज, जो लैंडमार्क जजमेंट्स होंगे उनको समझोगे। दैट इज वाई ये सब कुछ दिया गया यहाँ पर, इसीलिए इतना मत्था मारी है यहाँ पे। यस बी डी भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नथिंग इज सेड अबाउट इंटरेस्ट। बढ़िया यादव, बिल्कुल सही जवाब, आप जीत चुके हैं, शाबाशी। द ऑड्स आर अगेंस्ट तमिलनाडु बट इट्स टाइम टू आस्क वेदर द टेस्ट हैज मेट इट्स ऑब्जेक्टिव। अब ये सवाल खड़े कर रहे हैं नीट एग्जामिनेशन के ऊपर, इसने डेटा दे रखा है, और तमिलनाडु ना आप ऐसा मान के चलिए थोड़ा अलग चलता है, हर जगह पे थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला होता है, बट तमिलनाडु ने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला लगा ही नहीं रखा। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है, हम सब लोगों ने बचपन में जो है ना वो तीन लैंग्वेजेस पढ़ी होती है यूजली आपकी टेंथ क्लास तक, जबकि जैसे मैंने पढ़ी हिंदी संस्कृत और क्या होता था, हिंदी संस्कृत और कौन सी थी, इंग्लिश, तीन लैंग्वेजेस आपकी होती थी, बट तमिलनाडु नहीं फॉलो करता इसको। तमिलनाडु डिड नॉट फॉलो दी अदर सिस्टम जिसके अंदर आपके थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला आपका, इन्होंने नीट को हटाने का फैसला कर लिया है एंड दे हैव डिसाइडेड कि ट्वेल्थ के पेपर के थ्रू होगा। बट हेयर वन थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट है कि तमिलनाडु का जो डिसीजन है ना कहीं इसने डिबेट शुरू की है कि क्या एक दिन के अंदर पेपर लेके आप बच्चे को जज कर सकते हो। अगर आपने लास्ट ईयर क्लैट दिया होता तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत प्यारे बच्चे, बहुत ही पढ़ने वाले बच्चे, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड वाले बच्चे, उनका पेपर अच्छा नहीं गया। देखो कुछ ने तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है शुरू से, ठीक है, आप नहीं पढ़ोगे तो पेपर नहीं होगा क्लियर, बट जो पढ़ने वाले बच्चे भी थे ना वो पैनिक कर गए उस दिन, और उस दिन उनका नहीं हो पाया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक एग्जाम में ना दो चांसेस हमेशा मिलने चाहिए। ओके वसुंधरा, समझ आई ये वाली चीज सबको कि कहीं ना कहीं एक डिबेट तो आएगा, और इस पूरे पैसेज को आप पढ़ सकते हो, देयर इज नथिंग रिलेटेड टू जीके, बट थोड़ा सा व्यू पॉइंट इनका यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ओके, तमिलनाडु का अनएंडिंग डायलेमा विद नीट, अभी तो आपको वो भी ओबीसी कैटेगरी का भी समझना पड़ेगा कि अभी जो है जी रोहिणी कमीशन जो है ना, जिसमें सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी है, उसको बोला गया कि उनका वो 31 जन तक अब अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। एनईपी स्कूल द फ्यूचर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड स्कूल अगर आ गए ना, जो सरकार ने कागजों में लिखा है, अगर वो हो जाता है ना तो हमारा देश सच में आगे बढ़ेगा। क्राइम इन अ पेंडेमिक ईयर, 21 times इंक्रीज इन बाप रे, रिलेटेड टू डिसऑबिंग पब्लिक सर्वेंट ऑर्डर्स, अच्छा ये तो ठीक बात है। फ्यूअर केसेज ऑफ किडनेपिंग इन 2020 कंपेयर टू 2019, ठीक है, 20,000 कम किडनैप हुए, किडनैप क्या कोई बाहर था ही नहीं, कैसे किडनैप करेंगे। 75.8% वाज द पुलिस चार्जशीट रेट इन 2020, ठीक है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है ये आएगी, कुछ ना कुछ इसमें से आ सकता है। टेरमोड्यूलो केस वाज अंडर वॉच, महाराष्ट्र एटीएस ने बोला है, कोर्ट फ्रेम चार्जेस इन दाभोलकर मर्डर, ठीक है भैया। टेलीकोस गेट 4-year मोरेटोरियम ऑन ड्यूज, ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट पोजर ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ एक्टिंग एनक्लैट चीफ। एनक्लैट क्या होता है आपका, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि जब कंपनीज में डिस्प्यूट होता है, कोई भी आपकी इंसॉल्वेंसी वाली कंपनी है तो वो आपकी जो है उससे रिलेटेड यहाँ पर बताया गया आपको। एनसीएलटी आता है, उसके बाद एनक्लैट आपका आता है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी से धोया जा रहा है सेडिशन केसेस को, अच्छा बहुत बढ़िया पिक्चर यहाँ पर दी है, जेल फॉर सीनियर सिटिजन विद हेल्थ इश्यूज, पेगासस एफिडेविट क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्ट, क्या लगता है आपको, क्या इस पिक्चर को देख के एक बात जो आप लोग बोल सकते हो, क्या हम ये बोल सकते हैं कि इज एंटी मोदी, क्या इस पिक्चर को देख के आप एंटी मोदी बोल सकते हो? थॉट प्रोसेस का टेस्ट है पूरा, जो भी पेपर आप देने जा रहे हो। ओके, इसको क्या यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इज एंटी मोदी? ना, मैं बोल रहा हूं नहीं बोल सकते। इसको देखकर कैन वी से वन थिंग, इसको देखकर क्या हम एक चीज ये बोल सकते हैं कि
ही इज क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, ये बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, ही इज क्रिटिसाइजिंग द इनकम्बेंट गवर्नमेंट. कैन आई से दिस? क्या आप लोगों को डिफरेंस पता चल रहा है कि हम एग्जेजरेट कर देते हैं चीजों को? अगर हम मोदी भक्त हैं तो हम बोलेंगे कि भैया मोदी 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 इज मोदी विरोधी. हाँ नहीं, अथॉरिटेरियनिस्ट ने बोला है यहां पर. ये क्या कर रहा है नेशनल, ही व्हाट ही सेइंग दैट मोदी जी इज वॉशिंग एवरीथिंग विद अ डिटर्जेंट कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी. की ऑन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी यू कैन डू एनीथिंग, ऑल पर्पस सॉल्यूशन. कि नेम नेशनल सिक्योरिटी, इट इज अ ऑल पर्पस सॉल्यूशन ऑफ नरेंद्र मोदी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या आपने को पता चल गया कि मोदी विरोधी नहीं है? और है भी तो अपने को नहीं पता. यस और नो हम आंसर नहीं दे सकते यहां पर. ओके, एक मिनट दीजिए, जल्दी से बताइए. ग्रेट ना, समझ आ रहा है सब लोगों को? ये समझ आ रहा है ना, न्यूज़पेपर सिलेबस है अपना. गुड जॉब. ओके चलिए, हम कार्टून्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पे, है ना. चलिए, मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्लैरिटी मिलती जा रही है इससे रिलेटेड, है ना. डन 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 डन. ओके नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. यहां पर इंडिया चाइना अवॉइडेड ओपन क्लैश ओवर ओरिजिन ऑफ कोविड. आपका इंडिया चाइना ने अवॉइड किया ओपन क्लैश ऑन ओवर द ओरिजिन ऑफ कोविड. भारत ने जो है वो ज्यादा कुछ नहीं बोला. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड फॉर अ ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन एट ब्रिक्स लास्ट वीक व्हाइल शी जिनपिंग अपोज द पॉलिटिसाइजेशन इन ओरिजिन ट्रेसिंग. इन्होंने बोला कि आप हमें जो है नीचा दिखाने की कोशिश करो, बट इंडिया और ये, इन दोनों ने अपना अवॉइड किया है. संसद टीवी आपका लॉन्च हुआ है, आपका न्यूज चैनल लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी दोनों को आपका मर्ज करके आपका संसद टीवी बना दिया गया. बीजेपी होस्ट होप्स रेस्ट शुगर केन प्राइसेस, कि बीजेपी जो है ना आपका इज लुकिंग एट एन एंटीसिपेटेड राइज शुगर केन प्रोक्योरमेंट प्राइसेस टू बी अनाउंस्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट एज अर्ली दिस वीक. ठीक है, मतलब यूपी में अगर बीजेपी को आगे बढ़ना है तो गन्ने का प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा. स्पुतनिक लाइट गेट नोट फॉर फेज थ्री क्लिनिकल ट्रायल. आपका स्पुतनिक लाइट को आपका नोट मिल गया फेज थ्री के क्लिनिकल ट्रायल के. आपका प्रेस स्टार्ट फॉर रिपोर्ट ऑन डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये भी आपका हो चुका है. बिल इज नॉट अबेटिंग सुसाइड से सुप्रीम कोर्ट. अब प्रोफेसर्स लॉन्ग लीगल बैटल ओवर शेयरिंग, नहीं ये तो मतलब यूपा वाले बिल है. प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटो सेक्टर टू स्पर ग्रीन हाई टेक्नोलॉजी. मतलब की सरकार जो है उसने क्या किया अभी, आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि आप कुछ भी प्रोडक्शन करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाएगा आपकी ग्रीन हाई टेक्नोलॉजी. सरकार ने ऐसा कदम उठाया, यानी कि अगर आप कुछ भी ग्रीन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको पीएलआई मिलेगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव. टाटा ग्रुप सबमिट्स फाइनेंशियल बिड टू एक्वायर एयर इंडिया. पहले एयर इंडिया इन्हीं की होती थी, बट बाद में सरकार ने इसको टेक ओवर कर लिया. वो नेशनलाइजेशन का जो जमाना था, जो लोग अभी बोलते हैं ना कि भैया सब कुछ सरकार के अंडर हो, उनको देख लेना चाहिए टाटा की कंपनी और एयर इंडिया. मतलब सरकार के हाथ में देके खड्डे में पहुंचे. लॉ फर्म्स रिलक्टेंट टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑन एलआईसी आईपीओ.
अच्छा लॉ फर्म ने मना कर दिया आपका, चाइना फैक्ट्रीज रिटेलर फॉल्टर्स ऑन कोविड-19 कोविड डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। डेट ऑफ हाउसहोल्ड सर्च बिटवीन 2012 एंड 18, डेट हाउसहोल्ड मतलब कि जो घरों के ऊपर कर्जा था वो आपका 2018 तक आपका बढ़ा है। एनएसओ ने आपकी रिपोर्ट यहाँ पर दी है, सीएसओ और एनएसएसओ को जोड़कर ये आपका बना है। ओके, ओला कमर्शियल सेल ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर, यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया न्यू पार्टनरशिप, आपका यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया ने एक नई पार्टनरशिप बनाई है, सिक्योरिटी ग्रुपिंग AUKUS, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और एस विल फोकस ऑन एडवांसिंग स्ट्रेटेजीज इंटरेस्ट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। आपका अमेरिका, आपका यूके और आपका ऑस्ट्रेलिया तीनों इकट्ठे हो चुके हैं। अ की फीचर ऑफ दिस पैक्ट विल बी एबल टू हेल्प ऑस्ट्रेलिया एक्वायर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। आपका जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब अलग बन के ग्रुप का अलग बन चुका है यूके यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया का। जॉनसन डिमोट फॉरेन मिनिस्टर इन कैबिनेट रीजिंग, ठीक है इसकी जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान की लड़कियों की टीम जो है वो फुटबॉल को पाकिस्तान गई। ओके, ये नहीं पढ़ना है अपने को। चाइनीज को थ्रो आउट हैशटैग मीटू केस, राइवल कोरियाज टेस्ट मिसाइल आवर्स अपार्ट। नहीं पढ़ना है। आईपीएल में यूएई विल रिवील विल लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर T20 वर्ल्ड कप, बिल्कुल सही बात है, सब प्लेयर्स को चांस मिलेगा आपका। और आपका आईपीएल खत्म होते ही 2 दिन बाद उसका क्या शुरू हो जाएगा बेटा, आपका वर्ल्ड कप T20 का वर्ल्ड कप आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपका नीरज का अगला टारगेट ओलंपिक रिकॉर्ड है, सब रिटोरिक बातें हैं सारी की सारी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप ऑल ऑफ यू हैव लर्नड इन दिस लेक्चर, आप सब लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन मैंने आज किया होगा। आई एम रियली हैप्पी एंड आई थोरली एंजॉय टीचिंग यू गाइस। एंड इफ एनीवन वांट्स टू टेक एडमिशन इन बुलसाई देन यू कैन डेफिनेटली गूगल बुलसाई जयपुर एंड यू कैन कॉल अस एंड एज वेल एज यू कैन गो टू आवर टेलीग्राम चैनल वेयर वी आर प्रोवाइडिंग वोकैब एंड आफ्टर 1 वीक वी आर गोइंग ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द डे थिंक मतलब प्राइम डेली टाइप एक चीज मैं शुरू करने वाला हूँ जिसमें डेली एक टॉपिक जो है वो सब बच्चों को मिल जाए, ठीक है। एंड इफ यू लाइक आवर एफर्ट्स आप चैनल को लाइक कर सकते हो एंड मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हमारे जो है वो अनसब्सक्राइब वाले होते हैं, सो इट इज माई रिक्वेस्ट इफ यू वॉन्ट टू गेन कॉन्टिन्यूस बेनिफिट आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वंस यू क्लियर योर एग्जामिनेशन यू कैन चेंज योर माइंड एंड देन यू कैन लीव द चैनल, बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड वी आर पुटिंग ह्यूज एफर्ट इन टू दिस एंड वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज हु आर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द पेंडेमिक एंड वी हैव प्रोड्यूस द अमेजिंग रिजल्ट दिस ईयर एज वेल। 118 सिलेक्शन हमारी जो है वो आपका हुई है हमारे एग्जामिनेशन के अंदर, आपका जो क्लैट एग्जामिनेशन है 118 सिलेक्शन हुई है पूरे इंडिया में, सबसे ज्यादा है ये सिलेक्शन, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, शब्बा खैर, जय माता की।